मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका हर मकदम है 4TV न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। सिद्ध गंगा मठ स्वामी जी का निधन, सरकारी छुट्टी का ऐलान। 111 साल की उम्र में श्री शिव कुमार जी ने किया दुनिया को अलविदा। 12वीं सदी के सामाजिक चिंतक बसवन्ना के तत्व सिद्धांतों पर जीवन बिताते हुए 20वीं सदी के आधुनिक दौर में ज्ञान और अन्न दान के भंडार चलते फिरता भगवान माने जाने वाले आध्यात्मिक गुरु शिव कुमार स्वामी जी का आज 111 साल की उम्र में निधन हो गया। कई दिनों से सेहत में उतार चढ़ाव के चलते देश भर में इनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना की जा रही थी। आज सिद्ध गंगा मठ तुमकुर में अपने जीवन की आखिरी सांसें ली स्वामी जी ने, जिससे पूरे राष्ट्र और राज्य में शोक का माहौल है। कर्नाटक सरकार इनके निधन पर राज्य भर में 3 दिन का शोक। तुमकुर में आज से कल राज्य भर में सरकारी छुट्टी की घोषणा की है सीएम कुमार स्वामी ने। स्वामी जी के भक्तों ने ज्ञान, अन्न दान और मानवता के लिए खुद को समर्पण करने वाले महान शिव कुमार स्वामी जी को भारत रत्न देकर सम्मानित करने का अभियान शुरू किया है। क्या इनके मरण उपरांत स्वामी जी के समाज सेवा जीवन में शिक्षा के लिए त्याग और बलिदान के सेवाओं को देखते हुए देश का महान सम्मान भारत रत्न से सम्मानित करके इन्हें सच्ची श्रद्धांजलि देंगे? स्वामी जी के निधन पर शोक जताते हुए श्रद्धांजलि अर्पित करता है। शिक्षकों की हड़ताल निकाला गया, वहीं पर समाधान। आज बीजापुर के DDPI ऑफिस के सामने कर्नाटक राज्य हाई स्कूल असिस्टेंट मास्टर एसोसिएशन बीजापुर जिला घटक की ओर से RMS से नियम अनुसार काम कर रहे हाई स्कूल शिक्षकों को पिछले 6 महीनों से तनख्वाह न मिलने से नाराज, अपना आक्रोश जताते हुए शिक्षण विभाग के खिलाफ विरोध जताते हुए धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों से DDPI और MLC अरुण शाहपुर ने चर्चा करते हुए शिक्षकों की गुहार सुनी तो शिक्षण विभाग के सेक्रेटरी से फोन पर संपर्क करते हुए बाकी तनख्वाह और समस्या का समाधान 2 दिन में पूरा करने के विश्वास पर प्रदर्शनकारियों ने हड़ताल वापस ली। SSLC के इम्तिहान में बच्चों के साथ पढ़ाई में बाधा न डालने का हवाला दिया था शिक्षकों ने। लॉरी और मैक्सी कैब के बीच टक्कर, 2 व्यक्तियों की मौत। लॉरी और मैक्सी कैब के बीच टक्कर के कारण 2 लोगों के मरने का हादसा केरूर के करीब पेश आया है। बीजापुर से हुबली जा रही मैक्सी कैब अन्नपनवर ट्रैवल्स के 2 पैसेंजर की जान चली गई है। बताया जा रहा है कि ये दोनों बीजापुर के ही निवासी हैं। हुबली से आ रही लॉरी और बीजापुर से हुबली जा रही मैक्सी कैब के बीच हुई जबरदस्त टक्कर से ये हादसा पेश आया है। ट्रैक्टर से टकरा कर बाइक सवार की मौके पर ही मौत। धारवाड़ तालुका के अमीनभावी ग्राम के KAB के पास ये घटना घटी है, जिसमें मरीवाड़ ग्राम के बाइक सवार मंजुनाथ बैटगेरी की मौके पर ही मौत हुई है। धारवाड़ ग्रामीण पुलिस थाने में मामला दर्ज हुआ। सूरज से आंख मिलाकर गिनीज रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया। कोई भी इंसान सूरज को खुली आंखों से ज्यादा सिर्फ 30 सेकंड तक देख सकता है, मगर बेलगाम शहर भाग्यनगर के प्रदीप सासने ने लगातार 10 मिनट तक सूरज से आंख मिलाकर गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया, जिसके चलते गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भारत विभाग अध्यक्ष संतोष शुक्ला ने प्रमाण पत्र दिया। इस मौके पर बेलगाम पालिका मेयर बसप्पा सहित कई अधिकारी शामिल रहे और सैकड़ों दर्शक इस ऐतिहासिक पल के गवाह बने। प्लास्टिक फैक्ट्री के गोदाम में भयानक आग। बेंगलुरु नायंड हल्ली पांत्रपाल्या बस स्टॉप के पास स्थित एक प्लास्टिक फैक्ट्री के गोदाम में आग लगने से सारे इलाके में आतंक छा गया। वक्त रहते दमकल कर्मचारियों ने आग को काबू में कर लिया। बैटरायनपुर पुलिस थाने में मामला दर्ज हुआ। गटर में गिरकर व्यक्ति की मौत। शराब के नशे में धुत प्रसन्न हल्ली निवासी 35 साला देवराज की मौत गटर में गिरने से हुई। ये घटना बेंगलुरु ग्रामांतर जिला देवनहल्ली के पुराने बस स्टैंड के पास घटी है। मामला देवनहल्ली पुलिस थाने में दर्ज हुआ है।
आरएसएस और बीजेपी कार्यकर्ताओं का आक्रोश। धारवाड़ कर्नाटक का विश्वविद्यालय में पिछले 3 दिनों से साहित्य संभ्रम कार्यक्रम चल रहा था। कल आखिर दिन था। इस कार्यक्रम में बात करते हुए समाज चिंतक डॉक्टर शिव विश्वनाथन ने कहा कि हमारे सैनिकों में भी कई रेपिस्ट हैं। इसी बात को लेकर आरएसएस और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कार्यक्रम में कुर्सियां फेंक कर माइक तोड़कर आक्रोश जताते हुए कहा कि ये भारत के सैनिकों का अपमान है, माफी मांगनी पड़ेगी। पुलिस ने बीजेपी युवा मोर्चा के अध्यक्ष शरणु अंगड़ी सहित 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। हुबली के कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में लगी भयानक आग, लाखों का हुआ नुकसान। हुबली के शाह बाजार के कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में शॉर्ट सर्किट से लगी भयानक आग, जिसके चलते लाखों का नुकसान होने का अंदेशा जताया जा रहा है। मामला घंटी कैरी पुलिस थाने में दर्ज। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।